6 मई 2013 देश भर के लाखों लोग बसों से सवार होकर लखनऊ के एक बाहरी इलाके में इकट्ठा हो रहे थे। करीब सुबह के 10 बजे थे और एक बहुत बड़ी भीड़ बड़े से मैदान में रुकी हुई थी। ये मैदान 30 फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा बड़ा था। कड़ी धूप में खड़े ये सारे लोग बस एक ही इंसान को देखने के लिए उत्सुक थे। तभी वहां लगे लाउड स्पीकर्स पर अनाउंसमेंट होता है कि दुनिया के सबसे बड़े परिवार द गार्डन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैमिली माननीय सारा श्री सुब्रत राय तशरीफ ला रहे हैं। मैदान में लाखों लोग एक ही कपड़े पहने हुए थे। सब मिलकर एक ही एनर्जी के साथ भारत माता की जय भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू करते हैं और फिर स्टेज पर सुब्रत रॉय आते हैं जो लोगों के प्यार को देखकर भावुक होकर खुद भी जोर जोर से भारत माता की जय चिल्लाने लगते हैं। उस दिन खुले आसमान के नीचे 1,21,653 लोगों ने मिलकर देश का राष्ट्रगान गाया जो आज भी गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंडिया के सुब्रत रॉय की कंपनी सारा के नाम लिखा है। मुझे नहीं लगता कि भारत के लोगों को सारा कंपनी के बारे में बताने की जरूरत है क्योंकि सन 2004 में भारत के हर 17 आदमियों में से एक आदमी इस कंपनी का डिपॉजिटर था। मतलब इंडिया में आप 17 लोग देख रहे हो उसमें से एक आदमी ने इस कंपनी में पैसा डाला था। और अगर इस कंपनी के एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया में इंडियन रेलवे के पास में लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट है एंड सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सारा के पास था। 11 से 12 लाख लोग इस कंपनी से अपना घर चलाते थे। 1991 में सुब्रत रॉय ने एयरलाइंस की कंपनी खरीदी और उसको एयर सारा का नाम दिया। 2001 से 2013 तक सारा इंडिया क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करता था। सन 2000 में सारा ने अपना टीवी नेटवर्क लॉन्च किया था सारा वन नाम से, जिस पर घर एक सपना, बुनियाद, शुभ मंगल सावधान जैसे सारे फेमस शो आते थे। 2003 में सारा ने अपना पहला न्यूज चैनल सारा समय शुरू किया था। 2011 में सुब्रत रॉय ने आईपीएल की पुणे वॉरियर की टीम खरीद ली थी। रॉय ने न्यूयॉर्क की आइकॉनिक बिल्डिंग द प्लाजा होटल का 75% स्टेक होल्ड करके रखा था। ये होटल उन्होंने 600 मिलियन डॉलर में खरीदा था, रुपीस में 4,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। अब आप समझ सकते हो सारा के मालिक सुब्रत रॉय कितने अमीर थे, लेकिन ये कैसे इतने बड़े आदमी बन गए और कहां से इन्होंने सब कुछ शुरू किया, तो आइए डिटेल्स में पूरी कहानी जानते हैं कि लैम्ब्रेटर स्कूटर से चिप्स पापड़ बेचने वाला इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करके 25,000 करोड़ का स्कैम कैसे करता है। सुब्रत रॉय ने गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी, लेकिन जॉब न मिलने की वजह से ये पैसे कमाने के लिए अपनी लैम्ब्रेटा स्कूटर से जया प्रोडक्ट्स के नाम से चिप्स स्नैक्स पापड़ वगैरह बेचने का काम कर रहे थे। भागदौड़ करके खून पसीने वाली कमाई करने वाले एक आम मिडिल क्लास जिंदगी जीने वाले इंसान थे ये, लेकिन जब ये अपनी स्कूटर से दुकानदारों के पास, ठेले वालों के पास और घर घर जाकर चिप्स बेचा करते थे, तब इन्होंने एक चीज नोटिस की कि लोगों के पास में पैसे बचाने का कोई साधन नहीं है। लोग चाहते तो है सेविंग करना, सोचते भी है इसके बारे में, लेकिन कर नहीं पाते। तो सुब्रत रॉय के दिमाग में एक आइडिया आया कि कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिससे लोगों को पैसा बचाना आ जाए। चिप्स पापड़ बेचते बेचते इनके लोकल मार्केट में कुछ कॉन्टेक्ट भी बन गए थे, मतलब आसपास के लोग इनको जानते थे। तो यही सोच के 1978 में सुब्रत रॉय ने दो लोगों के साथ में मिलकर 2,000 रुपए में एक छोटी सी कंपनी को वो शुरू करते हैं जिसका नाम इन्होंने सारा रखा था। इन्होंने सारा नाम इसलिए रखा था क्योंकि ये कंपनी गरीबों को सारा देने के लिए एक साधन थी। जब ये चिप्स बेचते थे तो ये उसे अपनी स्कीम के बारे में भी बताते थे। ये लोगों को कहते थे कि जितना भी पैसा आप मेरे पास में जमा करते हो मैं आपको 3 महीने में उसको डबल करके दूंगा, आप चाहो तो मिनिमम 1 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। लोगों को लगा कि ये तो अच्छी स्कीम है, थोड़ा पैसा डिपॉजिट करके देखते हैं। शुरू में कुछ लोगों ने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया तो सुब्रत रॉय ने उनको 3 महीने में डबल करके उन्हें रिटर्न कर दिया। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे बात फैलती गई और फिर ऐसा होने लगा कि एक आम आदमी अगर दिन का 100 रुपए कमाता है तो वो 20 रुपए सहारा के पास में जमा कर देता था। लेकिन सवाल यह है कि सुब्रत रॉय 3 महीने में किसी का भी पैसा डबल कैसे कर पा रहे थे। चलो मैं आपको बताता हूँ। मान लो सुब्रत रॉय ने 1 जनवरी को किसी से 3 महीने के लिए 500 रुपए लिए, अब उनको इस 500 का 1,000 करके देना है 1 अप्रैल को, तो वो 1 अप्रैल से 1-2 दिन पहले ही किसी दूसरे से 500 रुपए 3 महीने के लिए जमा करवा लेते थे और यही पैसा पहले वाले बंदे के डिपॉजिट में मिलाकर उसको डबल करके रिटर्न कर देते थे। और जब दूसरे वाले का 3 महीने का पीरियड खत्म होने वाला होता था तो किसी तीसरे से पैसा लेते थे। ऐसे ही रोटेशन चलता रहता था। इसी तरह करते करते सुब्रत रॉय ने लोगों का विश्वास जीतना शुरू कर दिया, जिसके बाद बहुत तेजी से सुब्रत रॉय की कंपनी सहारा बढ़ने लगती है। लाखों लोग सहारा से जुड़ने लगते हैं। सुब्रत रॉय अपने इन्वेस्टर्स को ही एजेंट बनाते थे। ये कहते थे कि अगर तुम और लोगों से सहारा में इन्वेस्ट करवा पाते हो तो तुम्हें उसका कमीशन मिलेगा, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है। इससे हर एक इन्वेस्टर अपना अमाउंट डबल होने के बाद में 5 या 10 लोगों को सहारा में इन्वेस्ट करने के लिए रेफर करने लगा। ऐसे करते करते उनके पास बहुत से एजेंट्स हो गए और ये एजेंट्स सैलरी पर नहीं
नहीं सिर्फ कमीशन पर काम कर रहे थे। सुब्रत रॉय अपने सभी इन्वेस्टर्स और एजेंट्स को बोलते थे कि ये कोई कंपनी नहीं है, हम सब एक परिवार है, और ये सारा को नहीं सारा परिवार बोलते थे। लेकिन जरा आप सोचो कि इसमें सुब्रत रॉय को फायदा क्या हो रहा था, वो तो बस इधर का पैसा उधर और उधर का पैसा इधर कर रहे थे। तो अब जब सारा के पास दसियों लाख से भी ज्यादा डिपॉजिटर्स हो गए थे, तो सुब्रत रॉय ने ऐसा दिमाग लगाया जिससे सुब्रत रॉय के पास में लंबे समय तक पैसा रुकने लगा। जिन भी इन्वेस्टर्स का 3 महीने का टाइम पीरियड पूरा होने वाला होता था, तो वो उन्हें नई स्कीम का लालच देकर फंसाने लगे। सुब्रत रॉय ने सहारा के एजेंट्स को ट्रेंड किया कि लोगों को ज्यादा पैसा कमाने का सपना दिखाओ, अगर किसी का 3 महीने का टाइम खत्म होने वाला है तो वो पैसा रिफंड करने के लिए जब आता है तो उससे बोलो कि अगर आप यही पैसा अगले 1 साल के लिए हमारी नई स्कीम्स में री इन्वेस्ट कर दोगे तो उसका पैसा 3 गुना या 4 गुना हो जाएगा। रिजल्ट भी वही आया, लोग 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करने लगे, जिससे सारा के पास में 100-100 करोड़ रुपए भी रुकने लगा। सारा कंपनी जब काफी बड़े लेवल पर पहुंच गई तो सुब्रत रॉय ने अपनी कंपनी के बहुत से नियम बनाए। उन्होंने बोला कि सारे एम्प्लॉइज और एजेंट्स एक दूसरे से सारा प्रणाम करेंगे। सारा प्रणाम करने का भी एक तरीका होता था, आप अपने राइट चेस्ट पर राइट हैंड रखिए और गुड सहारा बोलिए। यहां तक कि सारा का जो न्यूज चैनल था उनके एंकर्स भी शो की शुरुआत ऐसे ही गुड सहारा बोलते हुए करते थे। इतना ही नहीं, सुब्रत रॉय खुद को सबसे सारा श्री कहलवाते थे। अब क्योंकि इस वीडियो में बात हो रही है लोन्स की और बिजनेस की, तो अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम लेकर आया जो कि है HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार प्लेटफॉर्म। यह प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करता है कई एडवांस्ड फीचर्स और जरूरी टूल्स प्रोवाइड करके। सबसे पहले इस ऐप का इंस्टेंट ऑनबोर्डिंग फीचर्स काफी इजी है, आप बस प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, उसके बाद में आप अपने HDFC के करंट या सेविंग अकाउंट से रजिस्टर कर सकते हो, बहुत ही आसान है। और आप अपने कस्टमर से किसी भी मोड से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, UPI, QR कोड, SMS पे या फिर कार्ड जैसे मोड से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। पेमेंट होने के बाद इंस्टेंट वॉइस नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाता है, जिससे आपको पता लगता है कि पेमेंट आ चुकी है। और अगर आप कैश में पेमेंट लेते हो तो कैश पेमेंट को भी कैश रजिस्टर फीचर से आप रिकॉर्ड और ट्रैक कर सकते हो। अब क्योंकि सारे पेमेंट जो है आपको एक ही डैशबोर्ड में दिख रहे हैं, तो आप उसको देख के रिकंसाइल भी कर सकते हो। स्मार्ट हब व्यापार में इंस्टेंट लोन का ऑप्शन भी है, जहां से अलग अलग तरह के लोन्स मिलते हैं जो कि आपको कुछ ही स्टेप्स में मिल सकते हैं बिना बैंक के चक्कर लगाए। आप अपने प्री अप्रूव्ड अमाउंट को चेक कर सकते हैं और बिजनेस लोन्स, ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट कार्ड पर लोन बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए ले सकते हैं, वो भी 10 सेकंड में आपको मिल जाएगा। बिजनेस एक्सपेंसेस में सेविंग भी एक क्रूशियल पॉइंट है, आप अपने GST और वेंडर पेमेंट्स को डिजिटल तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपको अप टू 50 डेज तक का क्रेडिट पीरियड भी मिलता है। ये ऐप आपके बिजनेस को प्रमोट करने में भी हेल्प करता है, आप ऐप के अंदर मौजूद टेम्पलेट्स का यूज करके ऑफर्स इजीली क्रिएट कर सकते हो अपने कस्टमर के साथ में, आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हो उन ऑफर्स को जो इन ऐप से बने। और आखिर में बिजनेस बैंकिंग सर्विसेज भी इसमें शामिल है, HDFC के क्रेडिट कार्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स के फीचर्स भी इस ऐप में अवेलेबल है, जो आपको और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने में। तो इंतजार मत करो, आज ही डाउनलोड करो HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार और अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं 1996 में, जब सारा के ऊपर एक सवाल उठा था। लखनऊ में पोस्टेड प्रशंजीत सिंह, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेंट्रल सर्कल 3 के असिस्टेंट कमिश्नर थे, इन्होंने सारा से सीक्रेटली पूछा था कि आपकी कंपनी में जो भी डिपॉजिटर्स हैं, मुझे उन सब की डिटेल्स चाहिए। 4 दिसंबर को इन्होंने सारा को एक लिस्ट भेजी थी जिसमें कुछ सांसद और विधायकों के भी नाम थे। ये जानना चाहते थे कि इन सब ने सारा में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता था कि इतनी बड़ी सारा कंपनी के पीछे जरूर पॉलिटिशियंस का हाथ है, ये कंपनी उनके ब्लैक मनी को वाइट करती है। प्रशंजीत सिंह के पूछने के बाद में कुछ दिनों तक तो सुब्रत रॉय खामोश थे, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिससे बड़े बड़े लोग भी हिल गए। 15 फरवरी 1997 को सारा ने न्यूज़पेपर में एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट छपवाया, जिसमें बड़े बड़े नेताओं का नाम लिखा था। 3 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, 3 सेंट्रल मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, जनेश्वर मिश्रा, कांग्रेस प्रेसिडेंट सीताराम केसरी, मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, ये सब नाम उस पेज पर दिख रहे थे। सुब्रत रॉय ने इन सब का नाम ड्रॉप करके बहुत ही बढ़िया गेम खेला, उन्होंने पब्लिश करवाया था कि ये सारे लोग हमारी गोल्डन स्कीम्स के डिपॉजिटर्स हैं और पिछले 2 साल में इस स्कीम में 400 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए। उस दिन सुबह सुबह ही लखनऊ के इनकम टैक्स ऑफिस से, दिल्ली से कॉल आने शुरू हो जाते हैं, इवन फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस से भी कॉल आता है प्रशंजीत सिंह के पास। दिल्ली से कुछ ऑफिसर्स भागकर लखनऊ आते हैं ये मामला क्लोज करने के लिए। इसके बाद प्रशंजीत सिंह और उनके बॉस पूनम किशोर सक्सेना दोनों को 2 महीने की छुट्टी के लिए भेज दिया
गया और बाद में उनका लखनऊ से ट्रांसफर भी हो गया। यहाँ तक तो सुब्रत रॉय की चाल काम आ गई, लेकिन अब आगे कुछ नहीं काम आएगा। अब चलते हैं 2004 की तरफ, जब सुब्रत रॉय ने अपने दोनों बेटों सुशांत रॉय और सीमांत रॉय की शादी के लिए करीब 552 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इन शादी में बड़े बड़े सुपरस्टार जैसे कि अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि अनिल अंबानी, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि मुलायम सिंह यादव और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी मौजूद थे। सुब्रत रॉय ने ब्रिटिश सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा को शादी के ऑर्केस्ट्रा के लिए बुलाया था। इतनी बड़ी और महंगी शादी के लिए सुब्रत रॉय सुर्खियों में आ चुके थे, जिसके बाद ये अपने आप को मसीह के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए बेटों की शादी के बाद इन्होंने एक सामूहिक विवाह करवाया था। 101 शादियां हुई थी और 15,000 लोगों को खाना खिलाया गया था। सुब्रत रॉय की यह दिल की इच्छा थी कि इनकी दोस्ती दुनिया के बड़े बड़े लोगों से हो। यह दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम, बराक ओबामा सबसे मिल चुके थे और इन सबसे अच्छे संपर्क भी थे। सुब्रत रॉय ने एक बड़ी अच्छी चीज करी थी, एलओसी कारगिल के युद्ध में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, इन्होंने उनकी फैमिलीज को टोटल 127 फैमिलीज को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था, जिससे देश भर के लोग इनको रिस्पेक्टफुल नजरिए से देखने लगे। अब सुब्रत रॉय बहुत ज्यादा अमीर बन चुके थे, इन्होंने पूरी मीडिया खरीद रखी थी, सारे चैनल्स सारा ही करते थे। लेकिन सुब्रत रॉय अभी और पैसा कमाना चाहते थे। वो सारा का आईपीओ लॉन्च करके इसको और बड़े लेवल पर लेके जाना चाहते थे। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसके लॉन्च होने के बाद में कोई भी सारा के शेयर्स खरीदकर सारा में इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे स्टॉक मार्केट में आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाते हो। 30 सितंबर 2009 सारा ग्रुप की एक कंपनी प्राइम सिटी ने आईपीओ के लिए सेबी के पास में DRHP फाइल की, यानी ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो सेबी को दिया जाता है अगर कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करना चाहती है। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी की शुरुआत से लेकर के प्रेजेंट तक की पूरी कुंडली होती है। इसी बीच 4 जनवरी 2010 को रोशन लाल नाम का एक आदमी नेशनल हाउसिंग बैंक को हिंदी में एक नोट लिखकर भेजता है। ये रोशन लाल इंदौर के रहने वाले थे और पेशे से सीए थे। इन्होंने अपने नोट में अनुरोध किया था कि लखनऊ के सारा ग्रुप की दो कंपनीज, पहली सारा इंडिया रियल एस्टेट और दूसरी सारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इन दोनों कंपनीज ने अपने इशूड बॉन्ड से बहुत ज्यादा फंड्स रेज किए हैं जो कि रूल्स के अगेंस्ट है। लेकिन नेशनल हाउसिंग बैंक के पास में इस तरह के केसेस की इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन नहीं थी, इसलिए उसने रोशन लाल का ये नोट कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी को पास कर दिया। एक महीने के बाद अहमदाबाद से भी कुछ ऐसा ही एक और नोट सेबी के पास आता है, जिसके बाद सेबी ने सारा ग्रुप का सबमिटेड DRHP उठाया और उसको एनालाइज करने बैठ गई। उस DRHP में सेबी को भी इन दोनों कंपनीज की फंड रेजिंग में गड़बड़ दिखी कि कैसे ये कंपनीज इतना पैसा कमा पा रही है। इस फोटो को देखिए, करीब 13 करोड़ लोगों के 1,12,000 करोड़ रुपए इन 6 कंपनीज में फंसे हुए थे और जिन दोनों कंपनीज की बात चल रही है उन दोनों कंपनीज में लगभग 25,000 करोड़ रुपए फंसे हुए थे। सारा OFCD यानी ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर के जरिए अपने पैसे उठा रही थी। OFCD क्या होता है? असल में इसमें कोई भी कंपनी लोगों से एज अ डेट यानी कि उधार पैसे लेती है और बदले में मैच्योरिटी पर उन्हें पैसे वापस करती है विद इंटरेस्ट। लेकिन OFCD के कुछ रूल्स होते हैं, अगर कोई कंपनी 50 से कम लोगों से पैसे लेती है तो सिर्फ रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन अगर वो कंपनी 50 से ज्यादा लोगों से पैसे उठाती है तो उसे सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। अब जब सेबी को पता चलता है कि सारा ने OFCD के जरिए 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 25,000 करोड़ रुपए उठाए हैं, वो भी बिना परमिशन के, तो सेबी का पारा हाई होता है और 24 नवंबर 2010 को सेबी ने सुब्रत रॉय को एक नोटिस भेजा जिसमें साफ साफ लिखा था कि अब सारा ग्रुप पब्लिक से किसी भी तरीके से फंड रेज नहीं कर सकती। दिसंबर 2010 में सेबी ने यह मामला अलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजा और मांग की कि सेबी को अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दी जाए, लेकिन सुब्रत रॉय की हाई कोर्ट तक भी पहुंच थी इसलिए सेबी को वहां से कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर जनवरी 2011 में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां कुछ महीने के इंतजार के बाद उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन मिल गई। अब सेबी सारा के सारे डिपॉजिटर्स का नाम पूछ सकता था और जो मर्जी आए वो डॉक्यूमेंट मांग सकता था और लीगली ऑर्डर्स भी इशू कर सकता था। तो सबसे पहले जून 2011 में सेबी ने सारा ग्रुप को ऑर्डर दिया कि आपने अपनी उन दोनों कंपनीज के द्वारा जो भी पैसा उठाया है उसे पब्लिक को रिफंड कर दो। इसको देखते हुए जुलाई से अगस्त के बीच में सुब्रत रॉय सेट के पास में जाते हैं। सेट यानी सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये एक बोर्ड है जो सेबी के इश्यूड ऑर्डर्स के अगेंस्ट की गई अपील को सुनता है और पूरे केस की दोबारा जांच करता है कि ये जो ऑर्डर आया है सेबी से वो सही है या नहीं है। सुब्रत रॉय ने सेट से बोला कि उनके खिलाफ की गई सेबी की अपील जो है वो गलत है, तो सेट इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। फिर अक्टूबर 2011 में सेट सारा की इस अपील को बेबुनियाद बताता है और सेबी की रिपोर्ट को कंफर्म करता है कि सेबी जो है वो सही बता रही है। सेबी के बहुत वार्निंग्स देने के बाद भी सारा ने कुछ नहीं किया, कोई पैसा नहीं लौटाया। फिर 9 महीने के बाद अगस्त 2012 सुप्रीम कोर्ट गेम में एंटर करती है
है और सारा ग्रुप को ऑर्डर देता है कि अपनी इन दोनों कंपनीज का सारा रेज्ड फंड पब्लिक को 90 दिनों के अंदर 15% ब्याज के साथ में वापस करो ताकि डिपॉजिटर्स को उनका पैसा वापस मिल सके। ये 25,000 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट था जो सुब्रत रॉय को 3 किस्तों में वापस। भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट की अब तक की यह सबसे बड़ी पेनल्टी थी जो सहारा पर लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सहारा ने 5,120 करोड़ की पहली लिस्ट का पेमेंट तुरंत कर दिया और उसके बाद सुब्रत रॉय ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि 25,000 करोड़ का 90% अमाउंट सहारा ने लोगों को कैश में दे दिया है। इतना पैसा तो गवर्नमेंट के पास भी नहीं होगा, ये बात ना तो सुप्रीम कोर्ट मानने वाला था और ना ही सेबी। फिर सन 2013 सुब्रत रॉय ने सेबी के ऑफिस के सामने 127 ट्रक्स खड़े कर दिए। इन ट्रक्स में 31,669 गत्ते थे। इन गत्तों में 3 करोड़ से भी ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स थे और करीब 2 करोड़ रिडेम्पशन वाउचर्स। उस दिन मुंबई के बांद्रा में बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था, लोग गाड़ी के हॉर्न्स बजा रहे थे लेकिन ये ट्रक्स वही जमे हुए थे। ये भी सुब्रत रॉय की बहुत बड़ी चाल थी, 5 करोड़ से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स सुब्रत रॉय ने सेबी के सामने भेजे थे। अगर सेबी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने बैठता तो सालों लग जाते और ये केस कुछ साल और पेंडिंग हो जाता। आप सुब्रत रॉय का दिमाग समझ रहे हो, सुब्रत रॉय सेबी से ऐसे लड़ रहे हैं जैसे वो उनका पर्सनल दुश्मन हो, लेकिन सेबी सेबी है, वो तुरंत ही इन सारे फॉर्म्स को वेरीफाई करने बैठ जाता है। सेबी ने रैंडमली ट्रक से 20,000 फॉर्म्स निकाले और दिन रात एक करके उसमें से सारे फॉर्म्स को चेक कर डाला। इन फॉर्म्स पर लोगों के नाम और एड्रेसेस मेंशन थे तो सेबी ने 20,000 लोगों को एक लेटर नोटिस भेजा। काफी सारे फॉर्म्स तो फर्जी थे, 20,000 में से 8,000 नोटिसेस तो ऐसी थी जो सेबी के ऑफिस में वापस आ गई क्योंकि वहां एड्रेस पर कोई था नहीं, मतलब फॉर्म पर जो नाम है उस नाम का कोई बंदा है ही नहीं। 20,000 नोटिसेस में से केवल 68 नोटिसेस का रिप्लाई आया। फिर इसके बाद में पूरे 3 करोड़ फॉर्म्स की चेकिंग हुई जिसमें से केवल 4600 लोग ही अपना पैसा क्लेम करने के लिए आगे आए। इन सब से ये साबित हो गया था कि सुब्रत रॉय के पास में जो पैसा है ये काला धन है और सेबी को गुमराह करने के लिए ये सब फेक ड्रामा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यार ये इतना सारा पैसा आखिर था किसका, क्या ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन का पैसा था? अब इसका जवाब तो हमें आज तक नहीं मिला। अब डेट आती है 20 फरवरी 2014। पूरे देश के लोगों को झटका लगता है कि अब उनका सहारा में इन्वेस्टेड पैसा डूब चुका है। सुबह ही लखनऊ पुलिस सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हिरासत में ले लेती है। 2 साल से भी ज्यादा समय तक सुब्रत रॉय लखनऊ के तिहाड़ जेल में रहे और इन्होंने 1,23,00,000 रुपए दिए थे जिससे इन्हें जेल के अंदर स्पेशल सर्विस दी जाए। मई 2016 में सुब्रत रॉय पैरोल पर बाहर आ गए थे और उसके बाद में ये अपने अलग कामों में बिजी हो गए थे। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में एक सहारा से जुड़े एजेंट कहते हैं कि सुब्रत रॉय अरेस्ट होने के बाद भी अलग अलग स्कीम्स उनके नाम पर 2020 तक चलती रही और कुछ स्कीम्स में तो लोगों को रिफंड भी मिलता रहा। सुब्रत रॉय के पास में इतना पैसा था कि उन्होंने महाराष्ट्र के एक पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक बेहद खूबसूरत शहर बना दिया था। यह शहर 10,600 एकड़ में बना हुआ था। इन इमेजेस को देखकर आप ये सोच सकते हो कि यार शहर कितना खूबसूरत होगा, यहाँ स्काई डाइविंग, स्विमिंग, बोटिंग ये सब कर सकते हो, बस ये महंगा है। यहाँ की केवल एंट्री फीस 20 से 25,000 रुपए है, बाकी होटल्स और एंजॉयमेंट का खर्चा तो लाखों में होगा। अगर हम सुब्रत रॉय की नेटवर्थ की बात करें तो इनकी 2,59,000 करोड़ की नेटवर्थ थी, सारा ग्रुप की 5,000 कंपनीज थी और सारा के पास भारत में करीब 31,000 एकड़ की जमीन थी। लखनऊ में जो इनका घर बना हुआ है वो करीब 270 एकड़ में बना हुआ है और वो व्हाइट हाउस की तरह दिखता है। लेकिन 25,000 करोड़ का जो स्कैम था उसकी पहली किस्त का पेमेंट के बाद में बचा हुआ पेमेंट आज तक नहीं पे हुआ है। हालांकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। आप इस लिंक पर फॉर्म भर के अपना पैसा क्लेम कर सकते हो, शायद वापस मिल जाए कुछ पैसा। लेकिन जिस इंसान की वजह से सारा डूब गया है उस इंसान की ना तो फोटो है ना पता है। उस इंसान को ढूंढने की सारा ग्रुप ने बहुत कोशिश की लेकिन वो इंसान नहीं मिला। अब पता नहीं रोशन लाल नाम का कोई इंसान था भी या नहीं, या फिर ये काम किसी अंदर के आदमी का था या कोई पॉलिटिशियन था या किसी कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटर का था, इसी बात का पता तो सुब्रत रॉय भी लगाना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पाए। और अभी हाल ही में आपने सुना होगा 14 नवंबर 2023 को, अभी कुछ ही दिन पहले, द बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट अवार्डेड सुब्रत रॉय की 75 साल की उम्र में हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। तो ये थी सारा परिवार के पिता सुब्रत रॉय की इनक्रेडिबल कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको निकोला टेस्ला के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है वो भी इसी तरह से हाईली रिसर्च्ड है और आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। निकोला टेस्ला के अब तक के सारे इंसिडेंट्स, ऐसी जिनके बारे में सुन के आप हैरान हो जाओगे, उसके बारे में पूरा जिक्र हुआ है, उस वीडियो को आप जरूर देखो, आपके स्क्रीन पर ये दिख रही होगी। बाकी आप लोग कमेंट्स में अपना प्यार दिखा सकते हो, आप लोगों की कमेंट्स से मेरी पूरी टीम मोटिवेट होती है अगली वीडियो को और अच्छी बनाने के लिए। बाकी HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मिल जाएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।